सिर्फ सियासी महाजाराई की बातें हो रही हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने की बातें हो रही हैं। अगर कचरे के ऊपर सियासत हो रही है तो कोई तो ऐसा है यहाँ पर कि जो कराची को एक बार फिर कराची को उसका जायज मुकाम दिलाने के लिए निकला है। इंडस्ट्रियल स्टेट्स या इंडस्ट्रियल एरियाज की जगह अब तंग हो गई है। अब कराची में कोई इंडस्ट्री लगाना या उसको इन्हांस करना, उसको बढ़ाना एक बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल मैटर बन गया है, क्योंकि ज़मीन की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है। किसी भी मुल्क की तरक्की के अंदर अगर आप देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है कि एक मदर इंडस्ट्री है। आफ्टर द एग्रीकल्चर आपको पता है कि ये वो इंडस्ट्री है कि जिसके साथ 70-72 लाइट इंडस्ट्रीज चलती है, जिससे पूरा हमारा इंडस्ट्रियल एरिया भी चलता है। कराची को हम बहुत आसानी से एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बना सकते हैं, इनबाउंड भी और आउटबाउंड भी, कि यहाँ से जनरेट भी होता है टूरिज्म, आउटबाउंड ट्रेवलर्स और आ रहे हैं और आ सकते हैं। कराची के बढ़ते हुए मसाइल आपकी खामोशी की आड़ में बढ़ रहे हैं। आप जब तक चुप रहेंगे, जब तक हक नहीं मांगेंगे, जब तक आप सड़कों पर नहीं आएंगे, कराची में कोई आपको हक देने वाला नहीं है। मैं हाफिज नईम साहब को कराची के मुस्तकबिल की एक उम्मीद करार देता हूँ, क्योंकि ये सियासी नहीं, खिदमत के अंदाज में और एक जिम्मेदारी और फर्ज के अंदाज में कराची के लिए काम करते हैं। कराची आइट फर्स्ट ऑफ ऑल शुड बी यूनाइटेड ऑन इश्यूज, नॉट ऑन एथनिक टर्म्स। कोई पंजाबी है, कोई मेमन है, कोई पश्तो है, कोई सिंधी है, कोई व्हाटएवर, हम कराची आइट हैं। हमें सबसे पहले अपने कल्चर को, माइंड सेट को चेंज करना होगा, और जमात इस्लामी और इस तरह की दीगर जमातें जो ये प्रोग्राम कर रही हैं, ये ज़रूर इस चीज़ को कुछ ना कुछ हल कर सकती हैं। क्यों नहीं पॉलिटिकल दूसरी पार्टीज ये इकदाम उठाती कि जनरल आज तमाम बिजनेस कम्युनिटी यहाँ बैठी है, कंज्यूमर के लोग आकर यहाँ बैठे हैं, तो वो हाफिज साहब की वजह से बैठे हैं, जमात इस्लामी के उस इकदाम की वजह से बैठे हैं कि जो वो शहर कराची में कर रही है। के अंदर 3,05,000 बच्चों ने मैट्रिक पास किया है और इंटरमीडिएट पास किया है 90,000 बच्चों ने, 70% ड्रॉप आउट है मैट्रिक के बाद। ये शहर कराची का हाल है जिसको हम पाकिस्तान का हाईएस्ट एजुकेशन लिटरेसी शहर कहते हैं। मास्टर प्लान तरतीब हो जाए कि कहाँ स्कूल होंगे, कहाँ पार्क होंगे, कहाँ 6 मंजिला बिल्डिंग होगी, कहाँ 2 मंजिला होगी, कहाँ 1 मंजिला होगी। मैं एक बात जरूर अपने सनतकारों से कहना चाहता हूँ कि आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। जितनी आवाज हमारे चैम्बर को उठानी चाहिए वो आवाज बहुत कमजोर है, मुनहनी है। आईटी तो इतनी जबरदस्त तरीके से डेवलप हो सकती है, मेरे ख्याल $1 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है, ये $4-5 बिलियन यूं हो सकती है। क्यों? इसलिए कि जितने आईटी के इस वक्त ग्रेजुएट बन रहे हैं उसमें से कराची का कंट्रीब्यूशन अभी भी क्यों कम है। ना फेडरल गवर्नमेंट हमें ऑन करती है, ना सिंध गवर्नमेंट हमें ऑन करती है, तो ये शहर फिर अपने आप को ऑन करे। ये शहर कराची को कोई और ऑन नहीं करेगा, कराची को कराची ऑन करेगा। लोग जमात इस्लामी के साथ चलें, इंशाल्लाह इस शहर को हम डेवलप करेंगे। कुछ भी नहीं होता, बुरे से बुरे हालात में भी उम्मीदें मौजूद होती हैं। यकीन से हमकिनार हों, सही लीडरशिप का चुनाव करें, ठीक तरीके से जिद्दोजहद करें, इन्हीं लोगों से इंशाल्लाह छीनेंगे कराची के हुकूक को इंशाल्लाह ताला।